सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा है, यदि महाभारत युद्ध से अर्जुन और पांडव विरक्त हो जाते तो कितना बड़ा अनर्थ बच जाता। देखिए, पांडव और अर्जुन ये तो नहीं चाह रहे थे कि युद्ध किया जाए। वे तो शांति से अपना हिस्सा ही मांग रहे थे। लेकिन जब कौरव और कौरवों के आचार्य और संरक्षक देने को तैयार नहीं हुए तो युद्ध ही एक विकल्प था उस हिस्से को लेने का, या तो फिर भाग जाना था, चले जाना था कहीं अन्यत्र। तो अगर अन्यत्र चले जाते, जैसे कि आप कह रहे हैं कि युद्ध से विरत हो जाते, अन्यत्र चले जाते, तो क्या होता? तो वह महाभारत युद्ध तो खैर फिर नहीं होता, यह बात तो सही है। लेकिन वैसे वैसे हजारों युद्ध होते रहते, थोड़े छोटे स्तर पर होते, बस यही होता। और पहले तो ये पांडवों को खोज कर मारते कि इसको कांटे को समाप्त कर दो सदा के लिए, थोड़ा भी खटका ना रह जाए, तो पांडवों को तो समाप्त कर देते। और उसके बाद अन्य राजाओं से भी युद्ध छेड़ते, क्योंकि महत्वाकांक्षा बढ़ती जाती कौरवों की, विशेषकर दुर्योधन की। और वह सोचता कि अब वह जो है बेरोक टोक वाला है, वही ईश्वर है। वो तो ऐसा भी सोचने लग जाता और सोचता कि उसकी जो वाणी है वही ध्रुव सत्य है, और उसकी जो इच्छा है वही परमोच्च है, और सबको उसकी इच्छा को मानना ही होगा। और भले बुरे सब आदमी को वह अपना दास बनाता और अपने हिसाब से व्यवहार करने को मजबूर करता, जिसे न गुरुजन की आदर की फिक्र है, न बड़े बुजुर्गों की आदर की फिक्र है, न धर्म शास्त्रों की फिक्र है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने लालच का, अपनी महत्वाकांक्षा का ही समर्थक बना हुआ है। तो वह तो पूरा अत्याचार का तो वह पर्याय हो जाता, और सभी स्त्रियों पर जुल्म होते, फिर कौन रोकता भला? स्त्रियों को वह नंगा पैरेड कराता तो कौन रोकता, कौन टोकता? खुलेआम स्त्रियों को वह नंगा करके कोड़ों से पीटता तो कौन रोकता? क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा तो ऐसे होती, उसका भाई तो तैयार ही था। तो जितनी भी स्त्रियां थी, चाहे कुलीन हो चाहे किसी भी कुल की हो, उन सबका सील भंग तो होता, और पूरे देश में यह संस्कृति बढ़ती, पूरे देश में बढ़ती, और एक काल में नहीं बढ़ती, हर काल में बढ़ती। और फिर जो यहाँ की संस्कृति में था कि गुरुजनों का सम्मान किया जाना चाहिए, वो खत्म हो जाता। फिर तो वो गुरुजनों को लतियाना चाहिए, गाली देना चाहिए, और उसको अपने हिसाब से काम में लेना चाहिए, ये संस्कृति पड़ती।
कि गुरु हो तो क्या हो, मैं राजा हूं और मेरे हिसाब से काम करो। तो वो इस तरह के संस्कार वाला व्यक्ति था, तो ऐसी चीजों को वह लागू करता और मनमाना होता, सब चाहे त्योहार होता था, कोई भी आयोजन होता, सभी में वह मनमानापन करता और उसके देखा देखी उसके मित्रगण उसके समर्थक भी वही करते। सॉरी। तो यह स्थिति बनती तो हम लोग के शास्त्र जो आदर्श स्थापित कर रहे थे तो वह तो भंग हो जाता और फिर जो राक्षस संस्कृति थी उसकी वृद्धि होती। यही होता तो यह उससे बड़ा अनर्थ होता, उसमें तो सिर्फ लोग ही मारे गए और कुछ आर्थिक तकलीफें हुई, इसमें तो पूरी सभ्यता संस्कृति पूरी परंपरा पूरा विधान ही बदल जाता, और विधान बदल जाता तो यह बहुत बड़ा होता, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्रफल में यह लागू होता और बहुत लंबे समय तक लागू होता। आबादी तो फिर भी मान लीजिए कि बहुत गई तो आबादी तो फिर बढ़ जाती है और धन छय तो फिर वापस आ जाता है, लेकिन विधान जो होता है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो विधान नष्ट हो जाता तो वह बहुत बड़ी बात होती, और दुर्योधन के जीत जाने का मतलब होता विधान का नष्ट हो जाना, रावण के जीत जाने का मतलब होता विधान का नष्ट हो जाना, बदल जाना, एक नए तरह का विधान आ जाना। तो एक नई व्यवस्था आ जाती, एक नई संस्कृति आ जाती। तो इसलिए महाभारत युद्ध नहीं होने से ज़्यादा बड़ा अनर्थ होता और रक्तपात भी बचता नहीं। ये है कि एक जगह पर उतना नहीं होता, लेकिन अलग अलग जगहों पर होते रहते हैं, क्योंकि ये लोग तो लोभी होते हैं, तो अपने राज्य के विस्तार के लिए ये बहुत जगह युद्ध करते। तो एक युद्ध करके, एक बड़ा युद्ध करके इनका सदा के लिए समापन कर देना, सदा के लिए मतलब लंबे समय तक के लिए, वह ज़्यादा अच्छा है बनस्पत की थोड़े से छोटे छोटे हजारों युद्धों को जन्म देना। और सभ्यता संस्कृति और आर्थिक नुकसान और यहाँ के विधान को नष्ट करना, ये ज़्यादा अनर्थकारी होता, मैं ऐसा समझता हूँ। हरिओम।